दोस्तों आज हम ऐसे हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है वो है फैटी लीवर डिजीज़ बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ क्यों होती है आपको क्या कुछ इसके अंदर खाएँ क्या ना खाएँ और साथ में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी पावरफुल नेचुरल हर्ब डेंडलियन रूट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इसको होम रेमेडी को घर पर बनाकर फैटी लीवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जान लेते हैं फैटी लिवर होता क्या है फैटी लिवर तब बताया जाता है किसी पर्सन को अल्ट्रासाउंड के अंदर जब उसके लीवर वेट से पाँच से दस गुना फैट उसके लीवर के आसपास जमा हो जाती है अंदर तो ये दो तरह का फैटी लिवर बहुत सारे लोग जानते हैं वही है एक है अल्कोहल जो कि ज़्यादा शराब के सेवन से होता है सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि ये सिर्फ दस परसेंट लोगों के साथ ही ऐसा होता है ज़्यादातर लोग जो पीड़ित हैं नब्बे परसेंट जो लोग पेशेंट हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वाले हैं जिन्होंने कभी शराब की तरफ देखा भी नहीं है जहाँ जो लोग साल में एक दो बार ही शराब लेते हैं महीने में एक दो बार लेते हैं बाकी वो डाइट योगा बहुत अच्छा करते हैं पर फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है तो इसके सिम्टम कैसे आएंगे सिम्टम इसके आते हैं कमजोरी थकान से इसके बिना दस ऐसी बीमारियां हैं जो आपको फैटी लिवर होने की वजह से हो सकता अगर कॉमन बीमारियों की बात करें उसके अंदर आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है डायबिटीज हो जाता है महिलाओं के अंदर पीसीओडी हो जाता है पुरुषों के अंदर टेस्ट की कमी हो जाती है जो सबसे मेजर क्या इश्यू आता है इसके अंदर अगर आपको फैटी लिवर हो गया है तो कोई भी मेडिसिन जो आप खाएंगे वो आपके ऊपर पचास तक कम काम करेगी या तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो भी मेडिसिन आप खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू ही होता है वो लिवर से ही आपके सारे शरीर में काम करना ज़्यादातर शुरू करती हैं तो इसका मेन काम होता है आपकी डाइजेशन को ठीक रखना आपकी बॉडी को सभी तरीके से मेंटेन करना मेंटली से लेके फिजिकल तक चाहे उसके अंदर आपका लिवर किडनी आपका ब्रेन आ जाए आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना आपकी बॉडी के अंदर विटामि और मिनरल को सेव करना अगर लिवर आपका फैटी हो जाए तो आपके अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की भी कमी हो सकती है तो सारी बॉडी को मेंटेन करता है चाहे बच्चा है चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है अब चलते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा गया अगर 90 परसेंट में से भी बात करें तो 50 परसेंट वो लोग हैं जिन्होंने कभी शराब तो नहीं पी है पर इन कारणों की वजह से उनको फैटी लिवर हो गया है जैसे ही जो बार बार एंटीबायोटिक्स खाना पड़ रहा है जो लोग स्टीरोयड्स पे हैं अभी भी स्टीरोयड खा रहे हैं जिन लोगों को होम रेमिडी का कुछ पता ही नहीं था काम करेगी या नहीं करेगी कभी कभार वो लिवर को ज्यादा डैमेज कर देती हैं तो ऐसे पचास लोगों का लिवर फैटी ठीक भी नहीं होता है तो इसके अंदर में भी लगभग आधे लोग है जो 50 परसेंट है इनमें से भी वो लोग क्या कर रहे हैं गैस की मेडिसिन खा रहे हैं बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं दर्द की मेडिसिन खा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि तीनों तकलीफें उनको फैटी लिवर की वजह से है जिसकी कोई भी दवा नहीं खा रहे हैं अगर दवा वो खा रहे हैं एंटीबायोटिक स्टीरायड और गलत होम रेमेडी तो इसलिए फैटी लिवर डिजीज वाले कभी ठीक नहीं हो पाते उनको हर एक चार साल बाद नई बीमारी आ जाती है तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मेडिसिन आपकी होम रेमेडी बायो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी वही आपके लिवर को 100% परसेंट तक ठीक करने की क्षमता के ऊपर काम कर सकती है अब चलते हैं कि आपका फैटी लिवर तो आपको पता लग गया क्यों हो गया क्या कारण हो गए तो अब फैटी लिवर के ऊपर डाइट की बात करें पहली बात करेंगे कि आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए अगर आपकी डाइट हाई फैट कंटेंट है सबसे तेज फैटी लीवर होगा ये दोनों के लिए है एन ए एफ एल डी वालों के लिए भी अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज वालों के लिए भी इसके अंदर हाई फैट के अंदर क्या आ जाता है ट्रांस फैट आ जाते हैं किसके अंदर होते हैं प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो हम फ्राइड कर देते हैं किसी भी चीज़ को फ्राई कर देते हैं उसके अंदर फैट पैदा कर देती है तो बहुत तेजी से अल्कोहलिक के बिना जो नॉन अल्कोहलिक का उनका फैटी लिवर हो जाता है हाई शुगर किसके अंदर मिलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो हम बीवरेज पीते हैं किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अगर वो मीठा है उसके अंदर से आपको मीठा आगे चलकर फैट में कन्वर्ट होगा तीसरा है रिफाइंड कार्ब्स रिफाइंड कार्ब्स के अंदर सभी तरह के ब्रेड और पेस्ट्री आ जाती है अगर ये आप रेगुलरली खा रहे हैं तो आप लिवर डिजीज की रिस्क पे हैं तो उसके बाद दूसरा मेजर काजा ऑबिस्टी जिन लोगों को पहले से ही मोटापा है वो तो रिस्क से है ही है टाइप टू डायबिटीज अगर आपको रहती है तब भी आपको फैटी लिवर हो सकता है सबसे बड़ा आज भारत के अंदर कारण बन रहा है जो लोग वेट लॉस तेजी से वेट कम करने वाली दवाइयां खा रहे हैं जो लोग तेजी से वेट कम करते हैं जो लोग स्लोली होम रेमेडी यूज करते हैं या कोई और मेडिकेशन पे हैं जिनका स्लोली बहुत धीरे धीरे वेट लॉस होता है उनको ये दिक्कत नहीं होती तेजी से वेट लॉस करने वाले साथ दिक्कत आती है मेडिकेशंस और टॉक्सिन दस तरह की आपको मैं दवाइयों की लिस्ट नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जैसे कि जो मिर्गी के दौरे के लिए दवा देते हैं उससे आपको फैटिलीवर हो सकता है बहुत सारी ऐसी डेली मेडिसिन है जैसे एसप्रे अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तब आपको फैटिलीवर हो सकता है सभी के बारे में आपको लिस्ट दे दूंगा ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो आप पढ़ लीजिएगा तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आज ये हमारी साइंटिफिक बेस्ड वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आज तक आपको जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो है उन तक भी आप पहुंच पाए तो तीन तरह के आपको फैटिलीवर मिलेंगे ग्रेड वन ग्रेड टू और ग्रेड थ्री। ग्रेड वन उन लोगों को फैटी लिवर होता है जो लोग हाई फैट हाई शुगर रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं या पहले से मोटे हैं या रैपिड वेट लॉस कर रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से इन लोगों को ग्रेड वन हो जाता है तो ग्रेड वन के लिए किसी भी तरह की आपको डेंटलिन रूट या मेडिसिन की जरूरत नहीं है आप हाई फैट कंटेंट को छोड़कर नेचुरल ऑयल पे आ जाए तो क्या रहेगा कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल है आप कोकोनट ऑयल यूज करना शुरू कर दें दूसरा फ्रूट्स हैं वो कभी भी आप जूस ना पिए साबुत फ्रूट को होल फ्रूट खाना शुरू करें फाइबर से बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है हरी सब्जियां कच्ची सलाद के रूप में जो खाई सकती हैं और सूप बनाकर और मिक्स वेज बनाकर जरूर खाएं रोटी को कम कर दें चौथा फिजिकली एक्टिविटी शुरू करें योगा शुरू करें जैसे कपाल भाती और क्योंकि अगर ये दोनों योगा कर लेंगे तो ये सभी पांचों को मिलाकर योगा और डाइट से और सब्जियों से सूप से आप ग्रेड वन को अकेला घर पर बैठकर ही रिकवरी कर सकते हैं ग्रेड टू और थ्री उन लोगों को होता है जिन लोगों को कहीं से सुना सुनाया मिलता है कि वो घी खा लेंगे तो उनका कमजोरी दूर हो जाएगी उनका लीवर पहले से ही खराब होता है वो सोचते हैं कमजोरी हो गई है जोंडिस उनको पहले से ही होया होता है उनको लगता है कमजोरी आ गई है घी खाते हैं जैसे गाँव के जो इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है और ऐसे ही अगर उनका फैटी लीवर हो गया जो जोंडिस हो चुका है पहले से ही उनको तो फिर उनको सीधा लिवर स्रोसिस होकर काफ़ी सारे बच्चे देखा गया है कि वो 18 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं करते उनसे पहले ही उनको कोई ना कोई मेजर डिसऑर्डर हो जाता है वो बेड पे हो जाते हैं क्योंकि आम भाषा में जो जानते हैं कि कमजोरी आना ये फैटी लीवर का सिम्टम होता है हम घी खाना शुरू कर देते हैं बाइल हमारे पास होता नहीं है जो घी को डाइजेस्ट करना है लीवर बीमार होने की वजह से बाइल कम हो जाता है तो आप अपने शरीर को जहर दे रहे हैं घी खाकर ये बंद कर दें अगर फैटी लीवर आप ठीक करना चाहते हैं देसी घी ये ध्यान रखिए सबसे बढ़िया इन लोगों को ग्रेड टू और ग्रेड थ्री भी नहीं होता है सीधा लिवर सोर्स की तरफ ही बढ़ जाते हैं अगर फैटी लिवर के साथ जॉन्डिस उनको हो चुका है बच्चों के साथ ये बहुत सीरियस है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप फैटी लिवर या जोंडिस पीलिया जिसको बोल देते हैं वो भी लिवर के खराब होने की वजह से होता है तो ये डाइट अगर कंट्रोल कर लेंगे तब भी बहुत बढ़िया आपको रिकवरी मिलेगी अब चलते हैं डेंडलियन रूट के बारे में डेंडिलियन रूट दोस्तों तो रिसर्च बताती है कि ये टॉक्सिन को रिमूव करती है आपके सारे शरीर में जो लीवर के अंदर जमा हो गए थे वो लीवर को खराब कर रहे थे लीवर की सोजिश को ठीक करते हैं चाहे वो सोजिश चाहे अंदर है चाहे बाहर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं सबसे बढ़िया बात कि ये बाइल को बढ़ाता है बाइल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फैट अपने आप निकलना शुरू हो जाता है सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट जो इसका रोल आता है वो है लिवर रीजनरेशन का ये के सेल्स को दोबारा से नया बनाना भी शुरू कर देता है अब चलते हैं कि इसको लेना कैसे है डेंडिल रूट को तो आधा चम्मच आपने डेंडिलियन रूट का पाउडर ले लेना है इसको लगभग दो कप पानी के अंदर उबाल देना है 20 से 25 मिनट तक जब तक वो एक कप ना रह जाए जब वो एक कप रह जाए तो उसको छानकर सुबह खाली पेट आपने पी लेना है जो रिसर्च हुई है साइंटिफिक स्टडी हुई है वो दोस्तों हुई है इसके वाटर बेस एक्सट्रैक्ट और अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के ऊपर अगर ये दोनों मिल जाए तो आपको डेली डेली उबालने की जरूरत ही नहीं है वाटर बेस और अल्कोहल बेस अगर दोनों में से मिल जाए तो इनकी 20 20 ड्रॉप्स भी आप लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों अगर ये प्योर होंगे तो तो इसके लिए सभी रिसर्च हैं जो मेरी डेंडिन रूट के ऊपर साइंटिफिक स्टडीज हैं मेडिसन नेम है ये सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप पढ़ सकते हैं जो जो बीमारियां लीवर की वजह से होती हैं आपको शायद पता ना हो अगर लीवर आपका फैटी है तो ए एन ए भी आपका कंट्रोल नहीं होगा पी एस ए भी आपका ठीक नहीं होगा आप किसी भी बीमारी के लिए आप कैंसर से लेके बाल झड़ने तक कोई भी दवा खा लें आपके ऊपर काम नहीं करने वाली है चाहे वो ब्लड प्रेशर के लिए चाहे वो हाई शुगर के लिए आप खा रहे हैं चाहे आपको नर्वस वीकनेस है जहाँ आपको कोई और शरीर में तकलीफ चल रही है तो आप जब तक लीवर को ठीक नहीं करें वो दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी फैटी लिवर डिजीज के बारे में मिली होगी कैसी लगी है ये वीडियो जरूर बताइएगा कौन सी सिटी से आप ये हमारा चैनल देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताए कीजिएगा दोस्तों शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि लोग घी खा खा कर अपने आप को लिवर कैंसर तक भी ना पहुंचा दे बहुत सारे लोगों से सा ऐसा हुआ है मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ बहुत बहुत शुक्रिया